तो जयराम मंत्रिमंडल के फैसले के बाद देर रात आपदा प्रबंधन सेल ने कोरोना कर्फ्यू के संबंध में विस्तृत आदेश जारी मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी के तहत प्रदेश में 7 मई से लेकर 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस अवधि के दौरान टीकाकरण केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार टीकाकरण जारी रहेगा। कर्फ्यू अवधि के दौरान 5 से ज्यादा लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होने पर जुर्माना लगेगा। तो वहीं इस कर्फ्यू के दौरान क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, अब हम आपको ये ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। करने का फैसला किया गया है। बाजार परिसर, जिम, खेल परिसर बंद रखने का फैसला किया गया। मनोरंजन पार्क, थिएटर, अन्य गतिविधियों को भी बंद करने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया है। शराब ठेके और बार को भी बंद करने का फैसला किया गया। तो कर्फ्यू के दौरान सभी स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी, ये भी फैसला किया गया है। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेली मेडिसिन सेवाएं जारी रहेंगी। दवाइयों की दुकानें, मेडिकल लैब, अनुसंधान लैब भी खुली रहेंगी और दवाइयां बनाने वाली इकाइयों को भी खुला रखने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया है। बैंक, एटीएम, आईटी वेंडर, बैंकिंग अभिकर्ता, बीमा कंपनियां भी इस मौके पर खुली रहेंगी। सरकारी राशन डिपो, किराना, फल सब्जी की दुकानें भी खुली रहेंगी। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए शाम 6 बजे तक ये जो दुकान है इनको फिलहाल बंद करना होगा। सामान की होम डिलीवरी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के जरिए की जाएगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया से संबंधित कर्मियों को छूट देने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया है। तो इस वक्त हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से नई एसओपी जारी की गई है, जिसके अनुसार क्या कुछ खुला रहने वाला है और क्या बंद रहेगा, ये सब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त बता रहे हैं कि शराब और ठेके, बार आदि दुकानें बंद रहेंगी। कर्फ्यू के दौरान जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं फिलहाल वो जारी रखने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया है। इसके अलावा अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक और अन्य सेवाएं भी जारी रहेंगी। दवाइयों की दुकानें, मेडिकल लैब, अनुसंधान लैब और दवाइयां बनाने वाली इकाइयों को भी सरकार ने खुला रखने का फैसला किया है। बैंक, एटीएम, आईटी वेंडर, बैंकिंग अधिकर्ता आदि सारी फैसिलिटीज को खुला रखने का फैसला हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है और कोरोना के नियमों का पालन करते हुए शाम 6 बजे तक फिलहाल इन दुकानों को भी बंद करने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया से संबंधित कर्मियों को भी छूट रहेगी। फिलहाल सभी बाजार, सिनेमा हॉल, बाजार परिसर, जिम, खेल परिसर को बंद करने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में 7 मई से लेकर 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू अब लागू कर दिया गया है सरकार की तरफ से। सीएम जयराम ठाकुर ने कल बैठक की थी और बैठक के बाद सीएम जयराम ठाकुर मीडिया से मुखातिब हुए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों की तरफ से सुझाव दिए गए और उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये बड़ा और अहम फैसला किया है और फिलहाल 7 मई से लेकर 17 मई तक हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू लागू करने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया है, क्योंकि हिमाचल में कोरोना के केसेस अब हर दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हिमाचल में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे, बीते 24 घंटों में भी रिकॉर्ड तोड़ केसेस सामने आए हैं। और इसी बीच हमारे साथ इस वक्त हमारी टीम मौजूद है, शिमला से विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोलन से चिन्मय कौशल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांगड़ा से हमारे साथ अनूप धीमान जुड़े हुए हैं लाइव। सबसे पहले अनूप धीमान, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, सबसे ज्यादा केसेस कांगड़ा जिले से ही सामने आ रहे और एक्टिव केसेस की संख्या भी सबसे ज्यादा कांगड़ा जिले में, ताजा आंकड़े आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए महिमा, बहुत सही, बिल्कुल सही आपने कहा है, क्योंकि ये बहुत अहम है, क्योंकि जिला कांगड़ा जो है वो वहाँ पर स्थितियाँ जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आ रही हैं। कल एक ही दिन में 1300 के लगभग मामले, 1297 मामले एक ही दिन में आए हैं, जो रिकॉर्ड मामले हैं। और मैं एक आंकड़ा बताऊं महिमा आपको, तो 31 मार्च को जो 21,769 मामले थे
वो आज की डेट में 21,739 हो गए, मतलब 12,000 मामले जो है वो मात्र एक महीने में जो है वो जिला कांगड़ा में आए हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि ये जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो एकदम से कोलैप्स कर जाएंगी जिस हिसाब से आंकड़ा। मैं कल एक कोविड के हॉस्पिटल है धर्मशाला में, वहां खड़ा था तो हर थोड़ी देर बाद एक एम्बुलेंस जो है वो उस हॉस्पिटल में पहुंच रही थी। तो इसी तरह से टांडा में, इसी तरह से आयुर्वेदिक जो राजीव गांधी आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है पपरोला में, वहां पर ये संख्या जो है वो वहां पर जो शिफ्टिंग की हॉस्पिटल में पहुंचने वालों की संख्या भी जो लगातार बढ़ रही है, महिमा कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात है। और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के अगर इस तरह से मामले बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं कोलैप्स जो है वो बहुत जल्द होने वाला है। और अगर ये जो लॉकडाउन है, अगर ये लॉकडाउन अब जिला कांगड़ा के लिए अलग से क्या परिस्थितियां होंगी, क्योंकि अभी कुछ ही देर में जिलाधीश महोदय जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो अलग से जिला कांगड़ा के लिए नोटिफिकेशन जो है वो होने वाली है, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कड़ाई जो है वो जिला कांगड़ा में होने वाली है। क्योंकि अगर इस चीज को लॉकडाउन के जरिए लोगों को घर के अंदर बंद नहीं किया तो ये स्थितियां जो है वो बिल्कुल जो है वो हाथ से निकलती हुई जो जिला कांगड़ा में अभी जी नजर हाँ आ रही है। आलोक जी धीमान, आपने महिमा, बिल्कुल सही कहा कि अगर स्थिति इसी तरह से रही तो बिगड़ जाएगी और स्वास्थ्य विभाग भी कोलैप्स कर जाएगा। शिमला से विकास शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से फैसला लिया गया है, 7 मई से लेकर 17 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। हमने अपने तमाम दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए समझाया, एक बार मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को फिर से बताइए कि क्या कुछ खुला रहने वाला है, क्या कुछ बंद रहने वाला है, और राजधानी शिमला में भी केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके बारे में भी जानकारी। बिल्कुल, सबसे पहले आपको अपडेट देता हूं, मैं राज्य सचिवालय में हूं और राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय में एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया जा रहा है जिसमें हिमाचल प्रदेश के सभी एसपीज और डीसीज के साथ बैठक की जा रही है। और इस बैठक को करने का मतलब सिर्फ यही है कि जिस तरह से अब कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया गया है राज्य में कि अब कोरोना कर्फ्यू जो है 7 तारीख सुबह 7 बजे से 17 तारीख सुबह 7 बजे तक जो है वो ये रहेगा, तो ऐसे में अब किस तरह से ये चीजें जो है वो रहने वाली हैं और किस तरह से बंदिशें जो हैं वो और लागू की जा सकती हैं, क्योंकि ये सारा फैसला जो है जिला उपायुक्तों यानी कि डीसी के हवाले छोड़ा गया था पहले से ही। लेकिन अब राज्य में जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, निश्चित रूप से अब बंदिशें जो है वो लागू होंगी। आज रात को 12 बजे से पहले ये ऐलान किया गया था कि 6 तारीख को रात को 12 बजे से जो है ये कर्फ्यू का ऐलान किया जाएगा, लेकिन इसके बाद अब जिस तरह से आपदा प्रबंधन ने जो एसओपी जारी किए हैं, जो ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर के अनुसार अब 7 तारीख को सुबह 6 बजे से 17 तारीख को सुबह 6 बजे तक जो है ये रहेगा। और इसमें किस तरह से बंदिशें जो हैं, क्योंकि हमने कहा, हमने ग्राफिक्स के जरिए भी जिस तरह से आपने बताया कि पहले कहा है कि कई तरह की चीजें जो है वो खुली रहेंगी, कई तरह की चीजें जो है वो बंद रहेंगी, लेकिन इसके बाद अगर मामले बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो राज्य सरकार कंटेनमेंट जोन जो है वो भी यहां पर बनाएगी। राज्य में जिस जिले में सबसे ज्यादा यानी कि जहां पर भी हालात सबसे ज्यादा खराब होंगे वहां पर कंटेनमेंट जोन जो है ये बनाए जाएंगे और जल्द ही बनाए जाएंगे। इसको लेकर किसी भी तरह की कोताही जो है वो नहीं बरती जाएगी। राज्य सरकार का ये भी कहना है, स्वास्थ्य विभाग की चिंता लगातार बढ़ रही है, मौत का आंकड़ा भी कम होता नजर नहीं आ रहा है, ऐसे में अब एक्टिव जो मामले हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। बीते कल की अगर बात करें तो जो शाम को 7 बजे बुलेटिन आया था जो हेल्थ विभाग की तरफ से जारी किया जाता है, वो उसमें भी 3842 यानी कि 3842 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। तो ऐसे में जो संक्रमण का खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है और राज्य सरकार की चिंता इस चीज को लेकर है जी, कि कोरोना विकास, कर्फ्यू का आपने ऐलान बिल्कुल तो सही कर कहा दिया कि गया है। संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ साथ प्रदेश सरकार की भी चिंताएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। सोलन से चिन्मय कौशल भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। चिन्मय, सोलन का भी हाल बेहाल है क्योंकि यहाँ पर भी केसेस बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ सामने और एक्टिव केसेस इस वक्त 3,000 से भी ज्यादा है। चिन्मय जी, बिल्कुल, जो ये आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है और यही एक जो चिंता का विषय है वो देखा जा रहा है। इसीलिए जो प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन यहाँ पर लगाया, लेकिन लॉकडाउन को लेकर भी जो तीखी प्रतिक्रिया है यहाँ के जो व्यापारी है उन्होंने करनी शुरू कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि ज्यादातर जो व्यापारिक संस्थान है वो खुले हुए हैं और कुछ ही ट्रेड्स को छोड़कर सभी को खोला गया है, जिसकी वजह से, और साथ में ये भी है कि सुबह से जो समय है वो शाम को 6 बजे तक का कर दिया गया है, जिसकी वजह से यह है कि कोरोना पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। उनका ये मानना है कि कोरोना पर नियंत्रण तभी किया जा सकता है अगर संपूर्ण लॉकडाउन लगे और जैसे कि पहले लगा था, और अगर दुकानें एसेंशियल कॉमोडिटीज की अगर खुलनी भी है तो वो खुलनी चाहिए समय के अनुसार कि 2 से 3 घंटे अगर खुलनी चाहिए और लोगों को भी आने जाने में पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का, उन्होंने ये कहा है कि कोरोना कर्फ्यू एक मजाक बनकर यहाँ पर रहता देखा जा रहा है कि मजाक बन गया है, क्योंकि जो कर्फ्यू में जो ढील होनी चाहिए या जो सख्ती होनी चाहिए वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, जो ढील है वो ज्यादातर यहाँ पर दिखाई दे रही है क्योंकि ज्यादातर जो ट्रेड्स है वो खुले हैं, हार्डवेयर की दुकानें खुली हैं, होटल्स खुले हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हैं, ढाबे खुले हैं और जो सड़क के किनारे मोमोज चाउमीन बेचते हैं वो खुले हैं,
इसके अलावा भी कई जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी खुली हैं, तो इससे आवाजाही ज्यादा होगी और किसी भी तरह की जो पाबंदी है वो नहीं लगाई गई है। यही जो व्यापारी है अब चिंता का विषय है, और जो व्यापारी है भी कुछ देर में जो उपायुक्त सोलन से मिलने वाले हैं, और उपायुक्त सोलन की अभी जो कहें कि एक वीसी है जो मुख्यमंत्री के साथ में चल रही है, अब देखना यही होगा कि जो यहाँ के डीसी हैं केसी चमन वो इसके ऊपर क्या क्या करते हैं। जी जी, जी चिन्मय, अनूप धीमान, कांगड़ा में सबसे ज्यादा केसेस इस वक्त है, आपने भी कुछ देर पहले बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, आपके सूत्रों के अनुसार क्या कुछ लगता है क्या निकल कर सामने आ सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और क्या नई पाबंदियां कांगड़ा के लिए स्पेशल लागू की जा सकती है? जो नोटिफिकेशन की लागू किया गया है, जो कोरोना कर्फ्यू की जो गाइडलाइंस आई हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मेरे सहयोगी चिन्मय बता रहे थे, बहुत सारी चीजें जो हैं वो खुली रखी गई हैं जो कि जरूरत नहीं है अब, क्योंकि कर्फ्यू है, कर्फ्यू में बस ही चलेंगी 50% कैपेसिटी, तो वो क्यों चलेंगी वो बहुत अहम विषय है। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं, क्योंकि अगर लोगों की आवाजाही चलती रहेगी, वैसे ही चलती रहेगी, शादियां वैसे ही होती रहेंगी, तो इस कर्फ्यू के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। और जिस तरह से जिला कांगड़ा में संक्रमण है महिमा को, यहाँ पर तो हर मोहल्ले में, हर गांव में कोई ना कोई पॉजिटिव आ रहा है, तो ये स्थितियां जो है, जब उसकी कॉन्टेक्स्ट इससे आगे चलेगी तो ये स्थितियां बिगड़ती हुई नजर आ रही है मुझे लगता है, क्योंकि जिलाधीश, क्योंकि कांगड़ा में मैं बताना चाहूंगा 2020 में सबसे पहला मामला जो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में आया था, और उस समय भी जिलाधीश राकेश प्रजापति थे, इन्होंने पूरी स्थितियां संभाली थी, और मुझे लगता है कि आज ये अभी कुछ ही देर में जो है वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और इसमें बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारी पाबंदियां जो है वो स्टेट से हट करके जो है वो जिला कांगड़ा में देखने को मिल सकती है। जी महिमा जी, अनूप आपने बिल्कुल सही कहा। शिमला से विकास शर्मा जुड़े हैं। विकास, चूंकि अब लॉकडाउन लग चुका है, कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, तो व्यवसायियों को भी काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल, से तो पहले ही अभी उभर भी नहीं पाए थे, तो एक बार फिर से कोरोना राज्य में लग रहा है, लेकिन उसके बाद अब जो बंदिशों में बिल्कुल साफ आ गया है, जो ऑर्डर है पिछले कल का हमने उठाया, अभी उसके अंदर भी बिल्कुल साफ किया गया कि शाम को 6 बजे तक ये जो जितनी भी एसेंशियल जो दुकानें हैं अब आपको खुली रखें, 3 बजे के बाद जो है वो आप करनी ही होगी, बिना कर्फ्यू जो पालन किया जाना है वो तरह से हो पाए। मकसद एक ही है, कम से वो घरों से बाहर निकले। इसी कड़ी में ये कहा गया कि सरकारी और निजी जितने भी दफ्तर हैं वो पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे, 31 मई तक जितने भी शिक्षण संस्थान हैं पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। ऐसे में सरकार की यही अपील है लोगों से, और जनता टीवी भी यही अपील करता है कि आप घरों में रहें और कम से कम बाहर निकलें, बहुत जरूरी हो, बहुत हद तक मुमकिन हो तो ही आप घर से बाहर निकले, नहीं तो आप घरों में रहें, और जो ये प्रोटोकॉल है कोरोना का इसका पूरा पालन करें, हैंड सैनिटाइज जो है वो करते हैं। सही कहा कि जनता टीवी भी सभी दर्शकों से यही अपील करता है कि अपना ध्यान रखें और कोविड नियमों का पालन करें। विकास और अनुप धीमान और चिन्मय कौशल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।